स्प्रिंग रोल अक्सर हम बनाते रहते हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल आपने कई बार खाए होंगे। आप इस तरीके से वेज रोल बनाइए, बेहद पसंद आएंगे। सब्जियां खूब सारी डलेंगी, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। एक और बात, मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। ये नाश्ता देखकर बच्चे बड़े मजे से खाएंगे और आप भी खुश, क्योंकि खूब सारी सब्जियां भी खा ली और गेहूं का आटा भी यूज हुआ। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो चलते हैं, इस बढ़िया से नाश्ते को बनाने के लिए यूज क्या किया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी इस वक्त आ रही हैं, फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो भी। मैंने यहाँ पर अदरक लिए, हरी मिर्च लिए, हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, गाजर को ग्रेट कर लिया, पत्ता गोभी को भी बारीक काट लिया है, फ्रेंच बीन है उन्हें भी मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है। अक्सर हम स्प्रिंग रोल में बॉयल आलू यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैंने दो बॉयल आलू को उसे मैश करके एक बोल में डाल दिया है। अब इसी में सारी सब्जियां डालते जाएंगे, जैसे ग्रेट किया हुआ गाजर, पत्ता गोभी एक कप, आधा कप आप शिमला मिर्च ले सकते हैं या फ्रेंच बीन, हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटा प्याज और खूब सारी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। प्याज अगर आप नहीं चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। इसमें अदरक भी डाल दिया। अब डालेंगे हम मसाले, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला। अब इन सारी सब्जियों को आलू के साथ मिक्स कर देते हैं। एक बढ़िया सा मिश्रण बन गया सब्जियां और आलू का। यहां ले रही हूं मैं गेहूं का आटा, करीब दो छोटी कटोरियां समझ लीजिए या एक बड़ा कटोरा गेहूं का आटा। मोयन के लिए मैंने इसमें डाल दिया है करीब 2.5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च। अब डालकर इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब इसे धीरे धीरे पानी के साथ हमें गूंथ लेना है। आप चाहें तो इसमें मैदा एक कप डाल सकते हैं, एक कप गेहूं का आटा, पर मैंने पूरा ही गेहूं का आटा यूज किया है। अब इसका हमें एक टाइट मीडियम डो बना के अलग रखना है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे थोड़ा चिकना कर दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। आटे को रेस्ट मिल जाए उसके बाद हमें करना क्या होगा, इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है, बहुत छोटी छोटी लोई बनानी है और इसे इस तरीके से बेलना है। ये देखिए काफी पतली है और पूरी से थोड़ी सी बड़ी है। इस तरीके से हमें सारी लोइयों की रोटियां बेलनी हैं। मैंने सूखा जो लिया है आटा वो भी गेहूं का आटा लिया है। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, एक एक रोटी को लेना है, उस रोटी के ऊपर एक तरफ हमें फिलिंग रखनी है। फिलिंग रखने के बाद धीरे धीरे उसे रोल करना है। रोल करने के बाद साइडों में हमें इस तरीके से टॉफी का शेप दे देना है, मतलब मोड़ देना है। आप इसे बेलन का शेप कह सकते हैं, टॉफी का शेप कह सकते हैं, जो आपका मन करे। आप कोई और शेप देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बस इस तरीके से बना बना के आप एक तरफ रख दीजिए। इस नाश्ते में एक फायदा और भी है कि इस तरीके से आप बना के फ्रिज में रख देंगे ना, जब कभी आपको बनाना है तो नेक्स्ट डे भी आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, पानी छोड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी अभी आपको फ्राई करनी है, आप रख भी सकते हैं। क्योंकि गेहूं का आटा है तो ये ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। गेहूं में फ़ायदा ये हो जाता है कि वो पूरा पानी सब्जियों का ना सोख लेता है। जब आप रोल को बना रहे हो तो कोशिश बस ये कीजिए कि रोल थोड़ा सा टाइट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट के पोर्शन में थोड़ा सा पानी लगा के इसे इस तरीके से पैक कर दीजिए। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के एक तरफ रख देती हूँ। मैं जो इसे फ्राई करने जाऊंगी तो मैंने जो कढ़ाई रखी है इसे बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं किया है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि ये मैदा नहीं है, ये गेहूं का आटा है। तो यहां पर मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। ये देखिए, आप देखेंगे ना ऐसा लगेगा कि मिर्ची की पकौड़ियां बन रही हैं, लेकिन ये वेजिटेबल रोल हैं। बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे, उन्हें भी बेहद पसंद आएंगे।
तो मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक इसी तरीके से फ्राई कीजिए। ये देखिए, ये गोल्डन कलर आ गया है इनका। अब आप इन्हें एक जाली में निकालिए जब तक इसका ऑयल ना निकले। उसके बाद आप इसी फ्लेम पे और भी रोल इसी तरीके से बनाते जाइए। वैसे स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ, चाउमीन कैसे बनाई जाती हैं खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ, मंचूरियन कैसे बनाए जाते हैं खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ, यही तो टाइम है। तो हम उन सब की लिस्ट आपको, प्लेलिस्ट आपको नीचे दे देंगे, आप उन सभी को देखकर एंजॉय कर सकते हैं और बना सकते हैं। है ना बड़े मज़ेदार से आ रहा है मुँह में पानी? कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से मैं समझती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को कितना पसंद करते हैं। ये देखिए, ना ये टूट रहे हैं, ना कोई परेशानी है, ना बिखर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। इन सारे रोल को मैं इस तरीके से बना के रखती जा रही हूँ। इनके सबको फ्राई नहीं करना है, तो जो आटे का मोयन था ना उसमें या तो थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए या आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, फिर आप इसे बेक कर सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं। चलते हैं हम चटनी बनाने। तो अक्सर हरी चटनी हम बनाते हैं उसमें प्याज नहीं डालते, आज मैंने प्याज के साथ हरी चटनी बनाई है। ये देखिए, मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया, हरी मिर्च ली और इसमें कटा हुआ मोटा मोटा प्याज डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ इमली का रस, आप चाहें तो नींबू का रस बनाइए, लेकिन एक बार मेरे टाइप से ये चटनी ज़रूर बनाइए, मुझे बहुत पसंद आती है। नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा चीनी डाल दी। बस इस चटनी को बनाइए और इस नाश्ते के साथ इंजॉय कीजिए। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। मैंने एक यहाँ पर चिली सॉस बनाई थी, साथ में आपके लिए हरी चटनी भी बना दी है। इसे आप कब ट्राई कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।